है तो उसकी शान ये होती है, रब्बे काबा उसके जिस्म के उस्त को गुनाहों से पाक कर देता है, उसकी आंखों ने जो गुनाह किए थे हज की बरकत से खत्म कर दिए गए, उसकी जबान ने जो गुनाह किए थे हज की बरकतों से खत्म कर दिए गए, उसके कानों ने जो गलत सुना था हज की बरकतों से खत्म कर दिए गए। मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं जब आदमी हज करता है अल्लाह हज की बरकतों से बंदे को ऐसा कर देता है जैसे कि वो अभी अपनी माँ के शिकम से पैदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। आका फरमाते जो मेरी मस्जिद मस्जिद नबवी में एक सजदा करेगा अल्लाह 50,000 सजदों का सवाब अता फरमाता, मदीना के हरम में सजदा करे अल्लाह ताला 50,000 सजदों का सवाब अता फरमाता। ये सुन्नत है किसकी? अरब कुरान में फरमाता है इन सफा वल मरवा तमी शाइरिल्ला, सफा मरवा जो पहाड़ियां। इब्राहिम तुम्हें अपने बच्चे को अपने आप से जुदा करना पड़ेगा, अपनी बीवी को तुम्हें खुद से जुदा करना पड़ेगा। आप सोचे तो सही 92 साल की उम्र में जो औलाद मिली हो, रब्बे काबा ने फरमाया इब्राहिम तुम अपने बच्चे को जुदा करो हमारी रजा के लिए, अपनी बीवी को जुदा करो हमारी रजा के लिए। तो आजिर का मुसलमान होता इनकार कर देता, कहना नहीं मानता, इसलिए कि जो नमाज ना पढ़ सके, जो रोजे ना रख सके, जो कुरान की तिलावत ना कर सके, वो कभी अपने बच्चों की कुर्बानी नहीं देगा। अपने बच्चों की कुर्बानी वो देता है जिसकी आंखों में रब बसता है, जिसके दिल में रब बसता है, जिसके चलने में रब बसता है। और वो ये कहता है मौला ये तो एक औलाद है, अगर तू 1,000 मांगेगा तो 1,000 औलादें तेरे नाम पे कुर्बान। अगर गोश्त का टुकड़ा फेंक दिया जाए एक जगह पड़ा रहे तो गिर जाए। आज भी ऐसी गर्मी है अरब की सहरा इस्माइल को अपने सीने से लगाए रहते हैं, अल्लाह अकबर, आंखों में चमक है इसलिए कि रब ने बेटा को दिया है। साथ ये भी कहा इब्राहिम बेटा दे रहा हो, बेटा भी ऐसा है जो मेरे रास्ते पर चलेगा, जिसके साथ सलाम की सुन्नत है। ये हजरत हाजरा की सुन्नत है, ये जो हाजी कुर्बानी करता है इसकी सुन्नत है। मुस्तफा के जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की सुन्नत है, ये जो हाजी सफा मरवा पे दौड़ लगा रहा है ये किसी मर्द की सुन्नत नहीं बल्कि हजरत इब्राहिम की ज़ौजा हजरत हाजरा की सुन्नत है। अल्लाह हु अकबर, देखो तो सही दौरे हाजिर की औरत अपने आप को कमजोर समझती है। अरे कुछ तो होगा हाजरा के पास, कुछ तो कमाल दिया होगा रब्बे काबा ने। अकेली करती हुई उस मैदान में जहाँ कोई चरिंद नहीं था, जहाँ कोई परिंद नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था, मगर हाजरा फिर भी कहती थी बोला पानी नहीं तो क्या हुआ, चश्मे बहाने वाला तो तू है, अगर खाना नहीं तो क्या हुआ, खाना खाने वाला तो तू है। अल्लाह की कसम हजरत हाजरा के जज्बे की बरकत है, जब तक दुनिया जिंदा रहेगी हजरत हाजरा का नाम जिंदा रहेगा, उनका तरीका जिंदा रहेगा, हाजी उनकी सुन्नत को अदा करते रहेंगे। जब तक कोई हाजी हज पर जाने के बाद हजरत हाजरा की सुन्नत को अदा नहीं करेगा रब्बे काबा उसके हज को कबूल नहीं करेगा। सलाम ने रोना शुरू कर दिया, रोने की शिद्दत का आलम ये था, आप बिलक बिलक कर रोते थे। अरे पूछो माँ से जिसने बेटे को पैदा किया हो, जब बेटा रोता है तो माँ के दिल पर बिजली गड़ती है, जब बेटा बीमार होता है तो बाप की रातों की नींद उड़ जाती है, जब भाई परेशान होता है तो बहनों की रातों की नींद उड़ जाती है। उस माँ से पूछो जिसके लिए प्याला, जिसके लिए खाना लाने को कोई नहीं, जिसका शोहर अपने हुक्म से उसे ऐसे मैदान में छोड़ गया है जहाँ पर चरित्र परिंद रुकना पसंद नहीं करते। अल्लाह अकबर, जब बेटा रोता था हजरत हाजरा के दिल पे बिजली गिर जाती थी, बार बार आंखों में आंसू आ जाते थे। जब बेटे का रोना बर्दाश्त नहीं हुआ हजरत हाजरा ने अपने बेटे को पहाड़ी के करीब रखा और एक पहाड़ी पर आप खड़ी हुई, जिस पहाड़ी का नाम बेटा रो रहा होगा ये मजबूर माँ, ये जमाने की सताई माँ, अल्लाह अकबर, मरवा पहाड़
से उतरती है, उतरने के बाद फिर अपने बेटे के पास आती है, अपने बेटे को सीने से लगाती है, अपने बेटे की पेशानी को चूम लेती है, सारों कतार रोने के बाद हजरत हाजरा फिर से चक्कर लगाती है, तो चक्कर को पूरा किया, पानी ना मिला, खाना ना मिला, तीन चक्कर को पूरा किया, पानी ना मिला, खाना ना मिला, चार चक्कर को पूरा किया, पांच चक्कर को पूरा किया, हजरत हाजरा ने उन दोनों पहाड़ियों के दरमियान में सात चक्कर को पूरा किया। सोचो मेरी माँ बहनों, हजरत हाजरा के ईमान का आलम क्या होगा, उनकी हिम्मत का आलम क्या होगा। सोहर साथ नहीं है, खानदानी साथ नहीं है, मगर फिर भी रब पे यकीन ये है, अगर जमाना साथ नहीं तो क्या हुआ, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, और जिस रब ने मुझे यहाँ आने का हुक्म दिया है वो हीरम मेरे बेटे को और मेरी जान को बचाने वाला है।